एक तरफ जहां टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था, तो दूसरी तरफ एक और पॉपुलर एक्ट्रेस की मौत ने सिनेमा जगत को झकझोर कर रख दिया। दरअसल झारखंड की पॉपुलर एक्ट्रेस रिया कुमारी का निधन हो गया है। रीजनल सिनेमा की बेहतरीन हीरोइन रिया कुमारी की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिया झारखंड के लोक सीरियल वह चलचित्र में अहम किरदार निभा रही थी। बता दें कि रिया को रीजनल सिनेमा में ईशा आलिया के नाम से जाना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 साल की कम उम्र में ही रिया ने झारखंड सिनेमा इंडस्ट्री में खास पहचान बना ली। वो अपनी खूबसूरती व डांस स्किल के लिए फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थी। बेहद कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई रिया कुमारी 28 दिसंबर 2022 को अपने पति और बेटी के साथ कार से कोलकाता जा रही थी। यहां हावड़ा में उनके ऊपर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया और लूटपाट करने लगे। इसी बीच बदमाशों ने एक्ट्रेस को गोली मार दी, जिससे एक्ट्रेस की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने एक्ट्रेस के पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दिवंगत एक्ट्रेस का पति बार बार अपना बयान बदल रहा है। फिलहाल आने वाले वक्त में इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।